तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आज हम बात करने वाले हैं एम्स देवघर फॉर्म कैसे फिल करते हैं। जैसे फ्रेंड आप नोटिफिकेशन स्क्रीन पे फ्रेंड देख सकते हैं, 27/10/2023 से स्टार्ट हो चुका है। 16/11/2023 लास्ट डेट है फ्रेंड फॉर्म फिल करने का। कैटेगरी वाइज फ्रेंड इसमें देख सकते हैं ग्रुप जो कि इसमें जो कि बी सी इस तरह से जो कि इसमें लेवल दिया गया है कि किस ग्रुप के लिए फ्रेंड वैकेंसी है, क्या असिस्टेंट है, किस मतलब वर्क के लिए है, मेडिकल सोशल जो कि आपका यहाँ पे वर्क के लिए है, जूनियर अकाउंट के लिए, टेक्निकल लाइन के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड तमाम जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसी फ्रेंड निकल के आया हुआ है। इसके अंदर में पोस्ट वाइज पोस्ट ग्रुप सीबी के लिए पे लेवल फ्रेंड आप देख सकते हैं 7th रहने वाला आपका यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज फ्रेंड सारा बताया गया, यूआर के लिए कितना है या एससीएसटी के लिए कितना है, तो यहाँ पे मेल फीमेल के लिए कितना है जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए, स्टोर कीपर के लिए, तो इस तरह से हॉस्पिटल नर्सिंग के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड जो कि इसमें वैकेंसी फ्रेंड निकल के आया हुआ फ्रेंड जो कि एम्स देवघर के लिए फ्रेंड जो कि वैकेंसी निकल के फ्रेंड आया, तो आप एक बार नोटिफिकेशन को फ्रेंड जरूर चेक कर लेंगे। तो इसी के बारे में फ्रेंड बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से फ्रेंड फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं फीस वगैरह क्या लगने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड अच्छी तरह से फ्रेंड सारा डिटेल्स को चेक कर लेंगे नोटिफिकेशन फ्रेंड। चलिए फ्रेंड बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। फॉर्म को फिल करने फ्रेंड आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे फ्रेंड आना है। यहाँ पे आएंगे फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह से फ्रेंड आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। इंपोर्टेंट नोटिस डिटेल्स फ्रेंड यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक कर देंगे सिंपली। यहाँ पे फ्रेंड आने के बाद यहाँ से कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिल करना है फ्रेंड, कन्फर्म नेम फिल करेंगे, मिडिल नेम फिल करेंगे, कन्फर्म मिडिल नेम को करेंगे, लास्ट नेम टाइप करेंगे, कन्फर्म लास्ट नेम करेंगे, फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, कन्फर्म करेंगे मोबाइल नंबर। अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं फ्रेंड, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी को यहाँ पे दर्ज करें, फिर ईमेल आईडी को फ्रेंड यहाँ पे टाइप करेंगे, @ लगा हुआ है फ्रेंड, @ के बाद जो भी आपका यहाँ पे gmail.com hotmail.com होता है वो सेलेक्ट करेंगे। इस वाले बॉक्स में आपको कन्फर्म में ईमेल आईडी को पूरा अच्छी तरह से फ्रेंड टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर जैसा दिख रहा है टाइप करेंगे, सिंपली यहाँ पे 7x पे क्लिक करेंगे फ्रेंड आप। जैसे फ्रेंड आप 7x पे क्लिक करते हैं आपका फ्रेंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने के लिए मिल जाता है। कॉपी करके फ्रेंड आप इसको अच्छी तरह से रख लेंगे फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है फ्रेंड। सिग्नेचर का फ्रेंड साइज 10 से 20 KB के बीच में रखेंगे, फोटो का फ्रेंड जो कि आपको 20 से 50 KB के बीच में रखना है। सिंपली चूज पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड डिक्लेरेशन दे देंगे दोनों में, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है फ्रेंड आपको। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फ्रेंड अगले स्टेप में फ्रेंड यहाँ से बेसिक डिटेल्स फिल करना है फ्रेंड। पोस्ट सेलेक्ट करेंगे आपको किस पोस्ट के लिए फ्रेंड आपको फॉर्म को फिल करना है, मेडिकल सोशल वर्क के लिए या फिर जो कि असिस्टेंट के लिए या जूनियर अकाउंटेंट के लिए, बहुत सारा पोस्ट आपको फ्रेंड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो आप फ्रेंड अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड यहाँ पे पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी फ्रेंड आपको जो कि लैब टेक्निकल के लिए या जूनियर इंजीनियर के लिए, सिविल के लिए, आपको हॉस्टल वार्डन के लिए आपको फॉर्म फिल करना है या फिर जो स्टोर कीपर के लिए, तो जिसके लिए फ्रेंड फॉर्म को फिल करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन फ्रेंड सिंपली यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड। उसके बाद कैटेगरी बता देंगे, जिस भी कैटेगरी के लिए फ्रेंड फॉर्म फिल करना है अपने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। ओबीसी वाले को एनसी लगेगा फ्रेंड, एसएसटी वाले को कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है तो ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। 40% डिसेबिलिटी अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फ्रेंड बहुत सारे चीज ऑलरेडी आपका डिसेबल रहता है देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। एक्स सर्विसमैन अगर है तो वो सब सारा चीज ऑलरेडी फ्रेंड यहाँ पे डिसेबल हो जाता है देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो कि आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड। यहाँ पे फिर नीचे में देख सकते हैं आपको फिर बताया गया 3 साल तक आपने कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम किया तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 इयर्स कंप्लीट आपने कोई भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट जॉब किया तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड। माइनॉरिटी कमेटी से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। अपना रिजर्वेशन फ्रेंड बताएंगे, धर्म हिंदू मुस्लिम जो भी आते हैं वो आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी फ्रेंड आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है। सेंटर ऑफ एग्जाम फ्रेंड बताएंगे आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड देख सकते हैं 3 सेंटर आपको देखने के लिए मिलता है, जो भी बेटर लगता है वो फ्रेंड आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डेट मंथ ईयर्स फ्रेंड बताएंगे, मेल फीमेल किसका फॉर्म फिल कर रहे हैं, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो यस करेंगे, यहाँ पे नहीं है तो फ्रेंड नो पे क्लिक करेंगे। यस करेंगे तो उसका डिटेल्स बताएंगे, मेल है फीमेल है, नाम क्या है, वो सारा चीज फिल करना होता है। उसके बाद फिर यहाँ से अनमैरिड मैरिड बताएंगे, आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी सेलेक्ट करेंगे, फादर्स नाम फिल करेंगे, मदर्स का नाम फिल करेंगे, एड्रेस बताएंगे फ्रेंड लाइन 1-3 में, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, स्टेट बताएंगे किस स्टेट से फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं सिलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड बताएंगे आपका फ्रेंड सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सेम एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, आपका कॉपी हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो फिर अलग अलग एड्रेस पे यहाँ पे आपको फिल कर देना अच्छी तरह से आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या जो भी फ्रेंड आपका एड्रेस है। उसके बाद यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, कॉरेस्पोंडेंस या परमानेंट एड्रेस जो भी है फ्रेंड वो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते बताएंगे। उसके बाद जो फ्रेंड फीस आपको लग रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पे वैलिड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपका जो की डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे 7x पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड अगले स्टेप में फ्रेंड आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फ्रेंड बताने हैं। यहाँ पे फ्रेंड मैट्रिक का डिटेल्स फिल करेंगे, आपका फ्रेंड डिग्री यहाँ पे बता देंगे फ्रेंड, आपने जो मैट्रिक है तो यहाँ पे सिंपली आप अपना मैट्रिक लिख देंगे फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से पासिंग डेट बताएंगे, किस साल फ्रेंड आपने पास किया, डेट मंथ ईयर्स बताएंगे, कितना फ्रेंड परसेंटेज आपका फ्रेंड आया वो बताएंगे, आपका क्लास क्या था फर्स्ट सेकंड जो भी वो बताएंगे, 10+2 का डिटेल्स बताएंगे फ्रेंड, इंटर का यहाँ पे अदर सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे बताएंगे आपने क्या किया हुआ है इंटर में, जो कि बीएससी आईए या फिर जो कि आईकॉम किया हुआ है या फिर आईए किया हुआ है, तो जो भी है फ्रेंड वो आप यहाँ पे इस तरह
कैसे बताएंगे, इंटर ऑफ आर्ट्स हो गया या साइंस हो गया, जो भी है वो बताएंगे, पासिंग डेट, मंथ, ईयर्स बताएंगे, सेम तरीके से परसेंटेज को फिल करेंगे, आपका परसेंटेज कितना है, डिवीजन क्या है फ्रेंड वो बताएंगे, यहाँ पे डिप्लोमा का डिटेल्स फ्रेंड फिल करेंगे, जो भी फ्रेंड आप पोस्ट सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन आता है, क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, सेम तरीके से जो कि क्वालिफिकेशन का नाम, डिग्री बताएंगे, स्ट्रीम, उसके बाद पासिंग डेट, मंथ, ईयर्स, जो कि आपको कितना परसेंटेज प्राप्त हुआ है वो बताएंगे, क्लास क्या है आपका वो बताएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास, ग्रेजुएशन है तो वो बताएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका डिटेल्स फ्रेंड आप यहाँ पे फिल करेंगे, या अदर कोई ग्रेजुएशन है या अदर है कुछ फ्रेंड बताएंगे, एक्सपीरियंस है फ्रेंड आपको यहाँ पे फ्रेंड यस करके बताएंगे, नहीं तो सिंपली नो पे आप क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का है, जो भी है उसके फ्रेंड आप यहाँ पे यस करके बताएंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे, दूसरा कोई आपके पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो फ्रेंड नो पे क्लिक कर देंगे, डिसेबल फ्रेंड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको बताना है आपको हिंदी, इंग्लिश आपको जो है किस तरह से बोलना लिखना आता है, आपको यहाँ पे टाइप कर देना जो भी लैंग्वेज आता है, फिर लैंग्वेज नॉलेज भी बता देना है आपको कि आपको क्या क्या बोलना लिखना आता है, तो सिंपली यहाँ पे टाइप कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देंगे, रीड, राइट, स्पीक में आपको जो कि यहाँ पे तीनों में फ्रेंड टिक कर देना है, टिक करने बाद वैलिड योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, फिर सारा डिटेल्स को फिल करने बाद अच्छी तरह से यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे, आपका फ्रेंड वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा, देख सकते हैं, आपको ओके कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपने जो भी डिटेल्स फिल किया फिर वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, डिटेल्स को फिर अच्छी तरह से सारा मिला लेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आएंगे फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं आपको अगर कहीं भी मिस्टेक लगता है तो बैक जाके सुधार कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड सिंपली यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स आपका सही है तो फ्रेंड सिंपली यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन पूछा जाएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे आप, सिंपली ओके पे फ्रेंड जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से फ्रेंड आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होता है, हैंडराइटिंग डिटेल्सन अपलोड करना होता है, साइज फ्रेंड क्या रखेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड डॉक्यूमेंट साइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड आपको दिखा देगा कि फोटो का साइज फ्रेंड क्या रखना है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ 20 से 50 KB, सिग्नेचर फ्रेंड 10 से 20 KB, डॉक्यूमेंट्स का फ्रेंड 50 से 100 KB, तो देख करके फ्रेंड यहाँ से अच्छी तरह साइज बना लेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे फ्रेंड इजीली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, प्रीव्यू करके आप फ्रेंड यहाँ पे देख भी सकते हैं, हैंडराइटिंग डिटेल्सन फ्रेंड आपको डिस्कशन मिल जाएगा या नोटिफिकेशन में भी चेक करेंगे, वहाँ पे लिखा होगा वहाँ से देख करके आप पेन पेपर पे पेपर पे फ्रेंड लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिंपली अपलोड करेंगे, कैप्चर को डालेंगे, फ्रेंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, ओके कर देंगे फ्रेंड, ओके करने बाद फिर देख सकते आपका जो पेमेंट लग रहा है फ्रेंड वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सिंपली कैप्चर जैसा दिख रहा है फ्रेंड टाइप कर देंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा, ओके कर देंगे, ओके करने बाद फ्रेंड आपको पेमेंट पे लेके आ जाता है, जो भी फ्रेंड बेटर लगता है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पेमेंट कर लेंगे, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी है, या तो फिर आप क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, इसके माध्यम से फिर आपका पेमेंट फंसेगा भी नहीं, प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं क्यूआर कोड फिर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो सिंपली अपने फोन पे के माध्यम से स्कैन करेंगे, इजिली फिर पेमेंट हो जाएगा, 10 सेकंड वेट करेंगे आपको वापस से रिडायरेक्ट हो जाएंगे होम पेज पे, वहां से फिर स्लिप और आपको पेमेंट स्लिप आपको दोनों रिसीविंग मिल जाएगा, डाउनलोड करके फिर रख सकते हैं, तो पेमेंट करते समय कोई भी बैक छेड़खानी नहीं करना है, सिंपली फिर यहाँ पे पेमेंट करेंगे और आपको 10 सेकंड बस वेट करना है तो आपको रिसीविंग मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया फ्रेंड जो एम्स देवघर के लिए कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, आई होप की फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा, फ्रेंड नोटिफिकेशन को भी जरूर चेक कर लें, नोटिफिकेशन को फ्रेंड आप अपने स्तर पे एक बार जरूर चेक कर लेंगे, सारे डिटेल्स समझ में आ जाएगा, फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक करके बताएं, चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, मिलते फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में।